संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। जब तक अभिभाव समाज समाप्त नहीं हो जाते और उनको अनुवादों में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये तीनों चार चीज़ें हम देखेंगे। सिद्धि हम देख ही रहे हैं, दो शब्दों की सिद्धि देखी है, आज दो शब्दों की सिद्धि और बताने का प्रयास करूँगा। 16 जो शब्द थे उनमें से 10 शब्दों के बारे में हमने जान लिया है, 6 शब्द बचे हैं वो, और 3 और बताए थे ये नित्य समास के अंतर्गत था। आज हम नित्य जो समास थे अभिभाव भाव समास के अंतर्गत वो समाप्त हो जाएंगे, दो शब्दों की सिद्धि सीख लेंगे, उसके बाद दो वीडियो और आएंगे, लगभग संपूर्ण अभिभाव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बात यही खत्म हो जाती है और भूल जाते हैं। किसी भी चीज़ को यदि लंबे समय तक याद रखना है तो उसकी टेक्निक है, आप उसको व्यवहार में ले आइए, वाक्यों में प्रयोग करना सीख लीजिए। तो अभिभाव समास के द्वारा कम से कम 50 वाक्यों को जानने का प्रयास करेंगे। मैं 50 वाक्यों को समझाने का प्रयास करूंगा कि अभिभाव समास कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 3-4 वीडियो और बनाएंगे इसके और समास के सारे जितनी भी समास समझाएंगे, पहले समास समझाएंगे उसके बाद उनके अनुवादों में प्रयोग कैसे किया जाए ये बताने का प्रयास करेंगे। कुछ हटके सीखा जाए तभी जीवन में आनंद आएगा और कुछ चीजें अलग सीख सकते हैं हम। तो अभिभाव समास चल रहा है, अभिभाव समास, ठीक है। अभिभाव समास में यथा तक जान लिए थे, यथा के वैसे तो 4 रूप होते हैं, सादृश्य भी एक उसके अंतर्गत आता है, लेकिन हमने 3 ही जाने थे, वो कोई माने नहीं रखती, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो हम 10 के बाद में 11 नंबर पर देखते हैं, 11 नंबर पर है आन पूर्व्य, ठीक है ना। आन पूर्व का मतलब क्या होता है इस अर्थ में देखेंगे, आन पूर्व का मतलब होता है क्रम, जो क्रम है उसके बारे में कोई भी कार्य करना उसको क्रम से बताना कि ये क्रम है वो क्रम। इसको उदाहरण देखो, यथा यथा नहीं अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम से तात्पर्य यानी कि जो बड़ा है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, जो बड़ा है उस क्रम से लेकर के आइए, पहले बड़े फिर उससे छोटे फिर उससे छोटे, यानी कि उस क्रम में। यथ अनुज्येष्ठम यानी अनु मतलब पश्चात होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, यानी बड़े के पश्चात जो भी हो सब ले आओ, पहले बड़े लाना है फिर उसके बाद छोटा लाना है, जो भी है क्रम में। अनुकनिष्ठम, अनुवृद्धम, आप जो भी इसमें प्रयोग कर लेंगे वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। पहले वृद्ध को लाएंगे, फिर उससे कम वृद्ध को, फिर उससे कम वृद्ध को, जवान को, फिर बच्चे को, इस तरह से। कनिष्ठ मतलब पहले छोटे को, फिर उसके बाद बड़े को, फिर उसके बाद बड़े को, फिर बड़े को, फिर बूढ़े को, इस तरह से ये क्रम है। अनुज्येष्ठम का मतलब होता है क्रम। अब इसमें विग्रह कैसे किया जाता है, लौकिक विग्रह जो होता है, मैंने बताया है कि इन्हीं शब्दों को इसमें प्रयोग कर देते हैं। तो प्रयोग होता है अनुज्येष्ठम है तो अनुशब्द इसमें से सभी में से अब गायब हो जाएगा और ये वाला प्रयोग हो जाएगा। ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण, कनिष्ठ से अनुपूर्वेण, वृद्ध से अनुपूर्वेण, ये सीधा सीधा प्रयोग हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें षष्ठी लग रही है तो केवल एक का ही बताता हूं मैं, षष्ठी का प्रयोग किया जा रहा है तो षष्ठी में ङस सुप का प्रयोग किया जाता है तो बन जाएगा ये ज्येष्ठ ङस और अनु, ये अलौकिक विग्रह है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरा 12वें नंबर पर आन पूर्व के बाद में आता है योग पद्य, योग पद के बाद में 13वें नंबर पर सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत, ठीक है, ये हो गए। योग पद का मतलब क्या होता है, इन्हीं के अर्थ में है ये, इसका तात्पर्य है इनके अर्थ में ये प्रयोग किया जा रहा है। योग पद का मतलब क्या होता है, युग पद, एक साथ क्रम से। तो योग पद में
सचक्रम। सपुस्तकम। और आप जो भी प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। ये सारे चीज उदाहरण है जो होते हैं वो कमी होते हैं। सचक्रम का मतलब क्या होता है, यानी कि चक्र के साथ, पुस्तक के साथ। तो यहां साथ में सा शब्द का प्रयोग है, सा ना लेकर के साध्य का प्रयोग है, उसकी जगह युगपद यानी युगपद। युगपद का भी मतलब होता है साथ। तो चक्रेण युगपद, चक्रेण युगपद, पुस्तकेन युगपद, इस तरह से लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह में क्योंकि तृतीय का प्रयोग किया गया है इसमें, तो चक्र टा और सह, ठीक है। क्यों ऐसे है मैं इसका एक पूरा सिद्ध करके आपको एक बताएंगे इसमें कि सह कैसे प्रयोग हुआ है। सादृश्य के अर्थ में, सादृश्य का मतलब हम जानते ही हैं एक जैसा, तो सादृश्य में यहां जो प्रयोग किया गया है सहरि सापित्र सागुरु सा भार्या, आप जो भी करना चाहें, यानी कि हरि के जैसा, हरि के जैसा हर। हरि भगवान विष्णु कहा जाता है, हर भगवान शिव को कहा जाता है। तो उनके दोनों के जो गुण है वो उनमें समानता बताई गई है, यानी कि पिता के जैसा। कोई पिता के गुणों के जैसा लगाओ या सकल सूर्य से लगाओ तो उसमें पिता के जैसा। सादृश्य तात्पर्य है। ये सादृश्य यथा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है उसमें, सदृश के अर्थ में। ये उदाहरण वहां पे भी है, ठीक है। अब ये जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा इसमें, हरे सदृश्यम। सादृश्य शब्द जो की तो प्रयोग कर लिया जाएगा, हरे सादृश्यम, पितु सादृश्यम, गुरु सादृश्यम, षष्ठी विभक्ति लगाकर सीधा इसमें प्रयोग कर लिया जाएगा। हरि क्योंकि षष्ठी का प्रयोग है, नस और सह। संपत्ति में, संपत्ति और समृद्धि दो चीज होती हैं। समृद्धि जो होता है धन धान्य की होती है, और संपत्ति जो होती है उसका स्वभाव अनुरूप स्वभाव। समृद्धि और संपत्ति में से यही अंतर है। स क्षत्रम, स ब्राह्मणम, स विपश्चित्तम, ठीक है। क्षत्राणाम संपत्ति, षष्ठी विभक्ति आप, क्षत्रियों की संपत्ति यानी कि उनका जो स्वभाव है, यानी किसी व्यक्ति को देखकर के कहा जाए कि क्षत्रियों का तो ये स्वभाव है भैया, उसी के अनुरूप जो कार्य करे। छत्रणाम संपत्ति, ब्राह्मणाम संपत्ति, विपश्चित्तानाम संपत्ति विद्वान को बोलते हैं। तो इसमें आम का प्रयोग होगा क्योंकि बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। तो छत्र आम और सह, इनमें सब में सह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सह का सहा हो जाता है। अव्यवावेच अकाले एक शब्द है, सूत्र है, उसके द्वारा सह का सा बदल जाता है, और कोई इसमें अंतर नहीं है। साकल्य का मतलब क्या होता है, साकल्य का मतलब होता है कुछ भी ना छोड़ करके सब कुछ कार्यक्रम कर देना, एक तरह से पूरा ले लेना। सकल शब्द से साकल्य शब्द बना है। सकल का मतलब ही होता है संपूर्ण, ठीक। सात्रणम, ये बहुत ही मशहूर है इसमें। सात्रणम मतलब, अब इसमें साकल्य शब्द को ज्यो की त्यों प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें बोला गया है संपूर्ण चीज को ले लेना, कार में ले लेना, वो कार है। तो इसका मतलब है सात्रणम, तो तृण को भी कार में ले लेना। इसका जो विग्रह होगा वो थोड़ा सा बड़ा है,
तृणम अपि न अप्रत्यज्य, इस तरह से बोला गया है। दूसरा है शाशलकम, ठीक है। तो लौकी विग्रह इसमें एक थोड़ा गलत भूल गया मैं, तृणम अपि अप्रत्यज्य ना, जब इसमें आ शब्द आ रहा है प्रत्यज्य छोड़ना, अप्रत्यज्य मतलब ना छोड़ना, यानी तिनकों को भी नहीं छोड़ना, सभी को कार्य में ले लेना, किसी भी कार्य के ले लीजिए, भोजन के लिए ले लीजिए, भोजन में एक ग्रास को भी न छोड़ना, इसका एक तात्पर्य हो सकता है सतृणम। तो ना शब्द इसमें नहीं लगा, सतृणम अपि अप्रत्यज्य अशब्द लग रहा है, वो ना के लिए बोल ही देगा। तो इसी तरह से शलकम अपि अप्रत्यज्य ये बोला गया इसमें। तृण अम सह अंत, अंत से क्या तात्पर्य है, अंत तो सभी जानते हैं, अंत का मतलब अंतिम, जिसका अंत हो जाए। तो इसमें जो पहला उदाहरण दे रखा है सभी जगह यही आता है ज्यादातर, सा अग्नि, सा अग्नि से तात्पर्य क्या है, यानी कि कोई ग्रंथ है, कोई प्रकरण है, कोई कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें कहीं ना कहीं एक अग्नि से संबंधित कोई बात कही गई होगी। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि कितना पढ़ना है इसको, तो कहा सा अग्नि, तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, यानी अग्नि प्रकरण तक ही आपको अध्ययन करना है। जैसे उदाहरण हम व्याकरण से ले लेते तो समझ में आ जाएगा, सात अध्यतम, यानी कि महाभाष्य तो बहुत सारा प्रत्ययों का अध्ययन करना था, तो प्रत्ययों के अध्ययन में बुलाया कि कहां तक अध्ययन कर लें, सात अध्यतम यानी तद्धित ग्रंथ पर्यंतम, अर्थात तद्धित प्रकरण तक आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, ये अर्थ हो गया। या दूसरा ले लीजिए, तीसरा समासम, समासम समास ग्रंथ पर्यंतम, अर्थात समास प्रकरण तक आप महाभाष्य का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे प्रकरण अलग 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 हिसाब से दे रखे हैं। हम सिद्धांत को हम भी पढ़ते हैं तो उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन अष्टाध्यायी का अध्ययन करेंगे तब हमें पता चलेगा सारे प्रकरण बड़े क्रमबद्ध तरीके से दे रखे हैं, कोई भी मिक्सचर नहीं है, इसलिए यहां पर यह लागू हो जाती है, ठीक है। अग्नि अम और सह, अब यहां पर सह सह के उदाहरण ज्यादा हैं। मां से युक्त जो शब्द हैं उनके बारे में हमने जान लिया था, हरि अधिस्त्री के बारे में हमने जान लिया था, अब हम एक उदाहरण सा अग्नि वाला यहां सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, ये देख लेते हैं ये कैसे बनता है, ठीक है। इसके लिए यहां पर मिटाना इसको पड़ेगा। 16 को हमने जो दूसरा सूत्र था अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि वाला, उसमें 16 हम उदाहरण देख चुके हैं और उनके लगभग हम सिद्धि भी देख चुके हैं, एक सिद्धि आज हम सा अग्नि वाली की देख लेंगे। तो हमें 16 जो रूप दे रखे हैं उसमें अर्थ दे रखे हैं उनकी सिद्धियां सारी यानी शब्द सब समझ में आ जाएंगे। सा अग्नि शब्द है, साग्नि शब्द को यदि लौकिक विग्रह करें हम तो इसका बनेगा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, ठीक है। और अलौकिक विग्रह अग्नि अम और सह, क्योंकि सा का सह का सा हो जाता है। अब यहां हम पूरी बात समझ लेंगे कि सा का सह होता कैसे है, तो हमको इसका जो सूत्र है सबसे पहले वही नंबर एक सूत्र लगाना पड़ेगा,
अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव आप लगा लेना जो भी है पूरा, ठीक है। ये लगाने के बाद में फिर एक दूसरा सूत्र इसी में लगेगा, अभी इसी को हम देख रहे हैं। इस सूत्र से क्या होता है, अग्नि का सह अव्यय के साथ समास हो जाता है इस सूत्र के द्वारा। ये सूत्र कहता है अग्नि का सह अव्यय के साथ समास हो जाएगा, विभव समास। दूसरा है कृतद्धित समासाश्च। ये सूत्र कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय तथा समास इन तीनों की प्रातपदिक संज्ञा करता है। तो इसकी प्रातपदिक संज्ञा हो जाएगी, जब इसकी प्रातपदिक संज्ञा हो जाएगी तो तीसरा सूत्र इसमें फिर लग जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, ठीक है। जब ये लग जाता है तो क्या होता है, जो अम है इसका लोप हो जाता है। तो हमारे पास जो बचता है इन तीनों सूत्रों को लगने के बाद वो क्या बचता है, अग्नि और सह, ये बचता है। फिर इसके बाद में जो जो प्रक्रिया शुरू होती है वो लगता है इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति में जो निर्दिष्ट किया गया है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। तो हमने यहां जाना है कि जो अव्यय शब्द है वो प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट किया गया है, अर्थात उसको बताया गया है। तो जो अव्यय है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा प्रकरण में हमने बहुत अच्छे से जाना है कि संज्ञा कहते किसे हैं, क्या होता है। यदि आप नए हैं तो संज्ञा प्रकरण को अवश्य देख लें, क्योंकि सभी चीज इसमें संज्ञा पर आधारित है। दूसरा, जैसी संज्ञा हो जाती है तो एक सूत्र लगता है उपसर्जनम पूर्वम। ठीक है, उपसर्जनम पूर्वम, तब ये क्या उपसर्जन की क्या हो जाएगी, पूर्व में ये लग जाएगा। तो सह अग्नि ये प्रयोग हो गया, ठीक है। अब सह की जगह हमको लाना क्या है, बनाना क्या है, सिद्ध क्या करना है हमको, ये सिद्ध करना है। तो मैंने बताया था आपका कि आपको कि जो अभिभावे च अकाले एक सूत्र है उसके द्वारा सह के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। तो पहला जो सूत्र इसमें लगेगा इसके बाद अव्ययी भावे च काले, इससे क्या होगा, सह के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, स अग्नि, ठीक है, स अग्नि, क्योंकि हमारे पास स है और आ है। तो कौन से सूत्र लग जाएगा इसमें, संधि में चले जाएंगे हम, अकहा सवर्णी दीर्घा। दूसरा क्या लग जाएगा इसमें, अकहा सवर्णी दीर्घा, अर्थात इसकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये सा अग्नि, ये बन गया। अब इसमें क्या होगा, एक सूत्र आता है उसके बाद में, फिर जैसे कि तैसी प्रक्रिया चलेगी, एक देश विकृत मनन्यवत, इससे इसकी प्रातपदिक संज्ञा हो जाएगी। और प्रातपदिक संज्ञा होने से स्वौ जस अम औस से इसमें सा अग्नि सुविभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, मन विभक्ति क्या प्रत्यय का प्रयोग, यह हमारे पास मौजूद है। अब क्या करना है, अब एक और सूत्र लगेगा इसके बाद में, क्या सूत्र लगेगा, अव्ययी भावश्च, ये सूत्र लगता है। अभिभाव सूत्र लगने से इसकी अभिभाव संज्ञा हो जाएगी और अव्ययाद आप सुपहा से इसके जो सुप है उसका लुक हो जाएगा, तो बन जाएगा
सा अग्नि, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा हमारे पास समय है, तो आगे की जो तीन चार सूत्र बचे हैं बस उनका और अध्ययन कर लें, एक सिद्धि और देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गया होगा। एक सिद्धि यदि समझ में आ जाए फिर उसके बाद में एक या दो सूत्रों का ही अंतर आ जाता है, बाकी सब ज्यों की त्यों होती हैं, ठीक है। अब हम तीन सूत्रों को ले लेते हैं बहुत जल्दी से, जो हमने याद किए थे, उम्मीद है आपने भी याद कर लिए होंगे। यथा सदृश ठीक है, दूसरा था यावद अवधारणे और तीसरा था सुप्रतिना मात्रार्थे, ठीक है। ये तीन है, आज ये अंतिम है नित्य समास का, उसके बाद में बहुलता से होंगे, नित्य भी होगा और विकल्प में समास भी हो जाएगा। यथा सादृश्य का मतलब क्या है कि असादृश्य, यानी कि जो सादृश्य में हमने जाना था, सादृश्यता के अंतर्गत यथा का प्रयोग जाना था, यथा अव्यय का प्रयोग जाना था, तो ये सूत्र कहता है कि सादृश्य से भिन्न अर्थ में भी यथा का प्रयोग हो जाता है। जैसे यथा वृद्धम दूसरा है, यथा बालकम ठीक है, चलिए यथा वृद्धम, यथा बालकम, यथा पौरुषम, यथा जो भी आप लगाना चाहें इसमें लगा सकते हैं। यथा वृद्धम का मतलब क्या क्या है, क्या मतलब इसका, कैसे विग्रह हुआ, ये वृद्धा जो जो वृद्ध हैं उनको ले आइए, किसी ने कहा कि यथा वृद्धम जो जो वृद्ध है उनको उठा करके ले आइए। कोई बरात हो, किसी बरात में गए हो कोई लोग, तो उसमें कह रहे हो कि सबसे पहले नाश्ता किसको कराया जाएगा, तो जो जो बूढ़े हैं यथा वृद्धम उनको लेके आ जाइए। यथा बालकम, ये बालका जो जो बालक हैं, तो ये यथा असादृश्य, सादृश्य के अर्थ से भिन्न अर्थ में ये प्रयोग किया गया है। इसका भी मैं एक सिद्धि देने का प्रयास करूंगा, आप बस देखते रहें थोड़ा सा। यावद अवधारणे, अवधारण के अर्थ में निश्चित परिमाण जो देना है उसके अर्थ में कि ये इतने से इतने तक ये या ठीक है वो है इसमें, जैसे यावद मत्रम, दूसरा है यावद छलोका, श्लोकम, तीसरा है यावद जीवम, ये इसमें प्रयोग किया गया है। यावत का प्रयोग किया गया है इसमें, जितने हैं उतने प्रयोग कर लीजिए, जितने श्लोक हैं उतने अम जो है मत्रम, मत्रम का मतलब जितने साधन हैं उसके लिए पात्राण पात्र हैं, उतने विद्वानों को बुला लीजिए, उतने ब्राह्मणों को बुला लीजिए, यावंता पात्राणी, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। यावंता श्लोक, यावत जीवम जीवता है, जब तक जिए तब तक ही कार्य करिए। ज्यादा इसमें व्यवस्था पूरी नहीं है, इसमें मैं इसको देखने का प्रयास करूंगा आपके लिए किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। सुप्रतिना मात्रार्थी, मात्र के अर्थ में अल्प, मात्रा मतलब अल्प अर्थ में जो प्रति है, सुप्रतिना मात्रार्थ, प्रति अध्याय का अल्प के अर्थ में इसमें प्रयोग बताया गया है। जैसे शाक प्रति, सुप्रति ठीक है, तीसरा दे रखा है सर्पी प्रति, और भी आप जो भी उदाहरण इसमें देना चाहें अल्प के मात्र में। तो इसकी जो विग्रह किया गया है वो इस तरह से किया गया, शाकस्य लेसा, लेस मतलब कम मात्रा में प्रयोग करना,
सुपस्य लेशः, इसमें इस तरह से विग्रह किया गया है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें हम अलौकिक विग्रह के द्वारा इस शब्द की सिद्धि जान लेते हैं। इसी में आ जाएगा, इसको देख लेते हैं, थोड़ा है? मिटा देते हैं, फिर देखेंगे। हमें जो सिद्ध करना है शब्द वो है यावत श्लोकम, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। लौकिक विग्रह इसका यावंतः श्लोकाः, ये हो जाएगा। अलौकिक विग्रह जो होगा, अलौकिक विग्रह उसमें क्या होगा, श्लोक जस यावंत यावत जस। अब जस क्यों लगा है इसमें, जस इसलिए लगा है क्योंकि ये बहुवचन में प्रयोग किया गया, सो औ जस, तृतीय विभक्ति है, ये बहुवचन है, तृतीय वचन, तृतीय विभक्ति बोल गया, उसके कारण यहां पर जो सुप्रत्यय है वो तीसरा वाला ही सुप्रत्यय, बहुवचन वाला ही सुप्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहां जो अभिभाव समास होगा वो यावद अवधारणे, इस सूत्र से इसमें समास होगा, इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद फिर वही सेम प्रक्रिया चलती चली जाएंगी, नंबर एक कृत तद्धित समासाश्च, इसके द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा सुपो धातु प्रातिपदिकयो, इसके द्वारा इसमें जितनी भी जो सुप हैं उनका लोप हो जाएगा, तो बचेगा श्लोक यावत, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यावत पहले है, इसमें अभी बाद में आ रहा है, तो उसके लिए फिर क्या सूत्र लगेगा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। अब उम्मीद है कि आपको यहां पर उपसर्जन संज्ञा समझ में आ जाएगी। यहां जो सूत्र है यावत अवधारणे, यावत जो है अव्यय वो प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट किया गया है, तो सूत्र के द्वारा ही हम देखते हैं, तो प्रथमा निर्दिष्ट समास जो शब्द प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया गया है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, तो यावत जो है वो प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसकी यावत की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। दूसरा सूत्र कहता है उपसर्जनम पूर्वम, ठीक है ना, उपसर्जन को पहले रख देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यावत श्लोक। जैसे ये बनेगा अपने आप में संधि प्रस्तुत कर देगा, और संधि हम जानते ही हैं कौन सी लगेगी, आपने संधियों का अध्ययन किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता, पहले से करा दिया है, हालांकि संधियों को उचित नहीं है, धीरे धीरे अगर अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्तोह सूचना शचु, शचु तो संधि हो जाएगी इसमें, क्यों, क्योंकि ता के बाद में शकार है, सा ता के बाद में, संधि का विस्तृत विवरण आप देख सकते हैं जाकर के संधि प्रकरण में। अब क्या होगा, यहां से इसमें कौन संधि हो जाएगी, सुचत्व संधि हो जाएगी, तो बन जाएगा ये यावत श्लोक। अभी और एक प्रक्रिया लगेगी इसमें, कौन सी, शो अटी, यानी कि शा के स्थान पर छ हो जाता है अट परे होने पर, ये कहानी है, पूरी बात देख लेना आप, यावत छिलोक, ये बन गया। ये बनने पर अब एक सूत्र फिर वही, ये अलग थे सूत्र, अब उसके बाद में फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कोई अंतर नहीं है, कौन सी, एक देश
विकृत मनन्यवत। इस न्याय से क्या होगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सुवौजस अम औटस टाभ्याम वेश, ये सूत्र से इसमें सु लग जाएगा तो बन जाएगा ये यावत छलोक सु। अब ये लगते ही कौन सा इसमें प्रयोग हो जाएगा, सूत्र प्रयोग होगा अव्ययी भावश्च। ठीक है, अभिभावश संज्ञा क्या करता है, अव्यय संज्ञा कर देता है और अव्यय संज्ञा करते ही एक सूत्र लग जाता था अव्यय दाप सुपहा, उससे सु की लुक हो जाता था सु का, लेकिन यहां नहीं होगा। यहां सूत्र कौन सा लग जाएगा, अतो अम, इसका अम आदेश हो जाएगा, यावत श्लोक अम। और एक अगला सूत्र क्या लग जाएगा, अमी पूर्वहा, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे बन जाएंगे यावत श्लोकम। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया हो, यही हमको सिद्ध करना था। और कुछ रह गया हो तो थोड़ा देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।